भी हमारे यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी हैं, साथ ही जो लाभार्थी हैं, जो किसान हैं हमारे, जो पशुपालक हैं, सभी उपस्थित। ये इस तरीके के आयोजन इसलिए किए जाते हैं कि आप जो है चिकित्सकों से कुछ राय प्राप्त करके अपने पशुओं को अच्छी तरीके से उसका पालन कर सकें, उनमें जो रोग व्याधि आदि होती है उसके निदान के संबंध में वार्ता कर सकें, अच्छा दुग्ध उत्पादन कर सकें, अच्छा मांस उत्पादन कर सकें, इसके लिए ये होता है। इसका अधिक से अधिक उपयोग आप लोग करें, और ये एक ऐसा मंच होता है जिसके माध्यम से हम डॉक्टर से सीधे सीधे मुखातिब होते हैं। जब जरूरत पड़ती है ऐसी जगहों पे, जब डॉक्टर साहब लोग आते हैं तो आई कांटेक्ट होता है, सीधे बातें होती हैं, हम उनको देखते हैं और ज्यादा विश्वास के साथ उनसे बात कर पाते हैं जब हमें किसी प्रकार के पशुओं के संबंध में समस्या उत्पन्न होती है। तो ये आयोजन का, इन आयोजनों का उद्देश्य यही है। और जो हमारा पशुपालक भाई अच्छी तरीके से पशुओं का पालन कर रहा है और अच्छी नस्ल के पशु अपने पास रख रहा है, अच्छे दूध उत्पादित कर रहे हैं, अच्छे मांस उत्पादित कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन भी मिलता है। ऐसे मंचों से हम उनको सम्मानित करके प्रोत्साहित भी करते हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पशु जो है आते ही मुझे दिख गया कि एक नई जगह पे है, धूप में है, प्यास भी उनको लगी है, उनको भोजन की भी जरूरत हो रही है, इसलिए बहुत ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। सभी का, जो लोग भी यहाँ पे आए हैं, प्रतिभाग किए हैं, पशुपालन विभाग के कार्य प्रणाली पर जो विश्वास व्यक्त किया आप लोगों ने, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हम आपसे ये कहना चाहेंगे, कभी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको समन्वय बनाने में विभाग से कोई दिक्कत है तो बीच में एक कड़ी हम भी हो सकते हैं। धन्यवाद।